देखिए यहाँ किन्नर अखाड़ा भी है। आपने कभी किन्नरों को हॉस्पिटलाइज होते हुए देखा है? किसी ने किन्नरों को देखा है जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में? हाँ, क्योंकि वो कसरत करते हैं, ऐसी कसरत करते हैं कि उसे कोई बीमारी ही नहीं होती। कौन सी कसरत करते हैं वो पूरा दिन? हाँ, ये एक्यूप्रेशर है, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। वहां से भी करवाइएगा एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ कथा में बैठकर भी करिए। यहाँ तो डबल फायदा है, यहाँ तो शरीर के साथ भव की भी बीमारी मिट जाती है, वहां शरीर की मिट सकती है, लेकिन भगवान के नाम में जो कसरत होती है ना, जो भगवान के नाम में ताली बजती है, एक्यूप्रेशर होता है, उससे दो फायदे हैं। एक तो भव रोग व्यापे नहीं, अंग रोग मटी जाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मटी जाए, राम नाम के औषधि खरी नीत से जो खाए। यह डबल फायदा है। और आप तो जब फायदा हो तब कुछ करते हो, तो इसमें इसलिए फायदे बताए, दो है, जाइए टाली। Gopal Nandlal,
गोपाल नंद लाल गोपी गीत के तीसरे श्लोक का स्मरण करते हैं। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता बनाकर ये गोपिया भगवान की स्तुति कर रही है। इनके लिए भगवान चर्चा का विषय है, इनकी चर्चा का विषय संसार नहीं है। इनकी चर्चा का विषय जब गोपिया बोलती है, एक दूसरे से भी बोलती है, तो आपस में जब बात करती थी तो वो हमेशा कृष्ण की ही बात करते थे। कृष्ण के अलावा इनके लिए कोई जगत ही नहीं था। जब बात करनी हो तो अपने कृष्ण की ही बात करें। तो अलग अलग जूथ बनाकर ये भगवान को याद करती है, भगवान के स्तुति का गायन करती है। और इस तीसरे जूथ ने यहाँ पर भगवान की महिमा का गान किया है। और ये गोपिया कह रही है, जिनका भाव सात्विक है और अपने इस सात्विक भाव से ये तीसरे जूथ की गोपिया प्रभु से पूछती है कि हे प्राणनाथ,
हम कई बार मृत्यु के मुख में चले गए थे, कई बार मृत्यु समीप आ चुका था, हम मृत्यु के मुंह में चले गए थे। इंद्र के कोप से डूबे हुए ब्रज का उद्धार करके आपने ही ब्रजवासियों को जीवन दान दिया था, वे ही आप, क्या आज हमें मार देंगे? भगवान को याद कराती है गोपिया कि हे भगवान श्याम सुंदर, आप वही तो हो, विष जला पियाद व्याल राक्षसा, आप वही हो जिन्होंने हर समय हमें संकट से बचाया है। हे श्रेष्ठतम, आपने कालिया नाग का जो विष था उस विषैली जल से अधासुर नामक राक्षस से मूसलाधार वृष्टि से तृणावर्त की तूफानी आंधी से दावानल से और वृषभासुर नामक राक्षस से तथा समस्त अन्यान्य जो राक्षस वहां पर आए थे उन सारे राक्षसों से उनके भय से हमारी बार बार आपने रक्षा की थी, वहां भी सारे भयों से आपने ही हमें बचाया था तथा आज भी हमारी आप रक्षा करोगे, हमें ये विश्वास है। इसलिए गोपिया कहती है ऋषमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, कि अनेकों संकटों से हे भगवान आपने बचाया, जब जब जरूर थी परमात्मा आप वहां आए। हे नंद नंदन, जब भारी विषधर 100 फन वाला कालिया नाग, जिसकी 100 फने थी, ऐसा कालिया नाग जब श्री यमुना जी में पुण्य पवित्र जल को विषमय बना रहा था, तो आप उस जल में आप क्यों कूद पड़े थे? गोपिया एक सवाल पूछती है भगवान को कि जो 100 फन वाला कालिया नाग जिस यमुना जी में रहता था, आप उसमें क्यों कूद पड़े थे? गोपिया भगवान को, नंद नंदन को सवाल पूछती है। तब भगवान कहते, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कूद पड़ा था। भगवान को कहा क्यों कूद पड़े थे, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना कूद पड़ा था, मैं तो ग्वाल बालों के लिए कूद पड़ा था, आपके लिए थोड़ी। तब गोपिया कहती है, वो ग्वाल बाल थे कौन? वो तो हमारे ही संबंधी थे ना, वो तो हमारे ही परिवार के सदस्य थे। जो ग्वाल बाल थे वो हमारे ही तो परिवार के सदस्य थे, भले हमारे लिए आप न कूद पड़े हो, लेकिन हमारे जो थे उनके लिए तो कूद पड़े थे। मतलब आपने हमें ही मदद की थी, हमारी रक्षा के लिए ही आप उस यमुना जी में कूद पड़े थे, बार बार आपने हमारी मदद की है भगवान, इसीलिए हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप यमुना जी में कूद पड़े थे और यमुना जी को विषमुक्त किया था, हे श्याम सुंदर, उसी तरह आप हमारे जीवन में भी कूद पड़े हो ताकि हम विषय मुक्त हो जाए। आपका हमारे जीवन में आना
मतलब कूद जाना हमारे जीवन में ये इशारा है कि आप हमारे जीवन को विषय मुक्त बनाने हमारे जीवन में कूद पड़े हो। आप हमें हमसे जुड़े हो क्योंकि हमें विषय मुक्त आप बनाना चाहते हो, ये आपका स्वभाव है। ये जो कालिया नाग की बात भगवान के चरित्र में आती है तो इंद्रिय ध्यास कालिया नाग को कहा गया। जो हमारा इंद्रिय ध्यास होता है वो कालिया नाग को कहा गया तथा हमारी जो इंद्रिया है कर्मेंद्रिया उसमें आती है, ज्ञानेंद्रिया उसमें आती है। मन एवं बुद्धि के कारण ये दोनों ही प्रकार की जो इंद्रिया है, ये दोनों ही प्रकार की इंद्रिया विषय रूपी विष का अकंठ पान करने में डूब जाती है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन और बुद्धि ये विषय में फंस जाते हैं, आकंठ पान करके ये इंद्रिया उसमें डूब जाती है। किस में डूबती है? विषय रस में डूब जाती है। हमारी विषय रस में डूबती है और गोपियों की कृष्ण रस में डूबी है। हम विषय रूप में डूबकी लगा रहे हैं इसलिए अपवित्र ही रहते हैं और ये गोपियां कृष्ण रस में डूबकी लगाने के कारण पवित्र बनी है। आप ठंडे पानी से नहाओगे तो वैसे अनुभूति होगी जैसे शाही स्नान में हम गए थे। जैसे ही मां गंगा जी में पैर रखा तो बुद्धि में तो कांटे आने लगे। अब सोच ही रहे थे कि अंदर जाए न जाए इतना ठंडा पानी, लेकिन भक्तों का प्रेम इतना होता है संतों पर कि वो संतों को संभलने ही कहा देते। दोनों हाथ ऐसे पकड़े पता ही नहीं चला कब उतर भी गए पानी में, ऐसे अंदर चले गए। क्योंकि भक्तों को पुण्य जो प्राप्त करना होता है गुरु को नहला के, अब वो नहलाना नहीं था तकलीफ करनी थी, कौन बताए। हमने तो दोनों आंख बंद कर दी, जो करना है करो भाई, भगत आखिरी में तो होगा वही जो मंजूर है भगत होगा। रास्ता तो एक ही था, अपन शांति से यहां खड़े रह जाए, माँ गंगा जी की प्रार्थना करे, जो हो रहा है उसे स्वीकार करे, सहन करे। तो इतना वो ठंडा जल और उसमें हमने डूब की लगाई। चलो ये माँ गंगा का आशीर्वाद था, वो चाहती थी कि हम सभी उसके जो दास है बालक है वो नहाए। हम ठंडे पानी में डूब की लगाए, ठंडे पानी से नहाए तो वैसे अनुभूति होगी, गर्म पानी से नहाए तो वैसे अनुभूति होगी। उसी तरह गोपिया कृष्ण रस में डूब की लगाने के कारण पवित्र बनी है। इतनी पवित्र आज भी चर्चा करते करते मैं थकता नहीं हूं, ना आप चर्चा सुनते थकते हो। और जैसे ही गोपी शब्द का उच्चारण कर्ण रंध्रों पर आ जाता है, मेरे श्री मुख से उच्चारण होता है राधा नाम, तो प्रसन्नता मिलती है। क्यों? ये कृष्ण रस में डूबी है, पवित्र है, इसलिए वाणी भी पवित्र होती है और कर्ण भी, हृदय भी, अंतःकरण भी पवित्र बन जाता है। क्योंकि ये विषय रूस में विषय सागर में डूबकर ये अपवित्र नहीं रही है, अब इसलिए पवित्र है, इसलिए राधा नाम में ताकाद है। आप राम को याद करिए, भगवान राम को अंतकरण फूल जाता है, राम गदगद हो जाता है अंतकरण राम। और वही आप याद करिए रावण, ऐसे थोड़ा चेहरा मुरझा जाता है। अच्छा ही था रावण, कुछ गलतियां थी, सबसे बड़ी गलती थी अहंकार, वैभव और सब कुछ अहंकार से नष्ट हुआ।
जैसे रावण को याद करने से क्यों चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि हमें याद आता है इसने सीता का हरण किया था, गलत किया था। राम को याद करते हैं तो हृदय फुल इसलिए जाता है कि हाँ कितना बढ़िया चरित्र है, बाप वचन देता है माँ कैकेयी को और पूरा करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम निकल पड़ते हैं वनवास के लिए 14 बरस के लिए। हृदय छाती फूल जाती है, प्रसन्नता मिलती है जब राम को अपना चरित्र चरित्र आज आप सोचिए तो कोई रावण अपना नाम रखने राजी नहीं है, ऐसा चरित्र है। और कोई रावण जैसा जीवन जिए उसको राम कहिए तो उसको भी ठीक लगता है। कहने का मेरा तात्पर्य है ये गोपियां पवित्र इसलिए है कि ये डूब की भक्ति रस में लगा रही है। और हम डूब की लगाते हैं संसार में, हम डूब की लगाते हैं विषय रस में, इसीलिए पवित्र नहीं हो रहे, इसीलिए पुनरपि जननम का जो चक्र है वो चल रहा है। तो ये गोपियां कह रही है कि हे कृष्ण आपका हमारे जीवन में आने का मतलब है कि आप हमें विषय मुक्त बनाने हमारे जीवन में आए हो। तो इसीलिए जिह्वा को, हमारी जिह्वा जो है उसको रसास्वाद पसंद है, आवश्यक है। नेत्रों में, नेत्रों को रूप देखना जरूरी है, कर्ण को श्रवण करना जरूरी है, परंतु जब जिह्वा मधुर एवं सुंदर भोजन की मांग करे तब समझना कि वह रस नामक विषय में डूब गई है। आज ये बढ़िया चर्चा एकादशी के दीन गोपी गीत में आई है। आज एकादशी है और एकादश 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5 और 11वां मन, ये एकादशी की बात आती है कि हमारे जो इंद्रिय है हम उन इंद्रियों को काबू करें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, एकादशी के दिन काबू करें। और गोपिया कह रही है कि जीव का स्वभाव है रसास्वादन करना, जीव का वो स्वभाव है, वो कोई गलत नहीं है। जैसे कान का स्वभाव, अब कान का स्वभाव थोड़ी ना हो सकता है रसास्वादन करे। नेत्रों का स्वभाव है देखना, कर्णों का स्वभाव है सुनना, वैसे ही जीव का स्वभाव है स्वाद ग्रहण करना। लेकिन ये जीवा जब अच्छे भोजन की मांग करे, सुंदर भोजन की मांग करे, जो मिल रहा है उसमें राजी नहीं है, और अच्छा भोजन की ये जीवा मांग करे, तो समझना कि हम विषय रूप में डूबे हैं। जब 400 तक शुगर लेवल बढ़ गई है, शुगर लेवल कितनी है 400, पता है 400 बढ़ गई, तकलीफ और बढ़ सकती है, फिर भी लड्डू खाने का मन हो रहा है, तो समझना ठीक है कि जीभ का स्वभाव रसास्वादन करना है। लेकिन जब हम मीठे पदार्थ को खाने की इच्छा रखते हैं तो समझना कि हम उस रसना तत्व में फंस गए हैं, हम उस विषय रस में फंस गए हैं कि तकलीफ होने के बाद भी हम स्वाद नहीं छोड़ सकते, हम उसमें फंस गए हैं। तो गोपिया कह रही है जिस प्रकार जो मछली होती है ना रस के स्वाद के लिए वो जाल में फंस जाती है, मछली कैसे फंसती है मछली,
कोई मछली पकड़ने वाला जाए तो एक लकड़ी को डोरी बांधता है और उस डोरी को एक कांटा लगाता है और कांटे में कोई ब्रेड या तो कोई जो खाने का पदार्थ है वो लगा देता है जो मछली पसंद करती है खाने में। जैसे मछली उसको खाने जाए वो कांटा मुंह में अटक जाता है और जो मच्छीमार है वो मछली को पकड़ लेता है, फंस गई, जाल में फंस गई। अगर आप चाहते हो कि जाल में फंसे नहीं बचना है तो एक बात को याद रखिए, एक बार एक मच्छीमार हाथों में जाल लिया और वो मछलियों को पकड़ने का जाल लेकर नदी के किनारे खड़ा हुआ। जैसे उस मच्छीमार को देखा, मछली पकड़ने वाले को देखा, तो सारी मछलियां जो थी वो भागने लगी। एक कथा प्रेमी मछली थी जो कथा में बैठती थी, जो जीवन को समझती थी, ऐसी समझदार एक उम्र वाली एक वृद्ध महिला थी, वृद्ध मछली थी। उस मछली ने बाकी मछलियों को कहा कि देखिए कहाँ भाग रहे हो, बोले भागो मत, यही खड़े रहो। अरे बोले आप देख नहीं रही हो, वो जाल लेकर आया, वो तो अपने को पकड़ने आया है, भागो यहां से। अरे बोले आप है ना इसके पास इसके चरणों में ही खड़ा रहो, यही खड़े रह जाओ, बच जाओगे। बाकी मछलियां तो कहने लगी कि हम तो जा रहे हैं भाई, जो पागल होगा वो यहां रहे, ये पागल हो गई, अपने को पागल बना रही है, चलो भागो जल्दी से जल्दी यहां से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। सब भागने लगे। अब जैसे ही उस मच्छी मारने जाल फेंका, जाल फेंकते ही जो भाग रही थी सब जाल में फंस गई, एक ही बची थी जो वही उसके चरणों में खड़ी थी। अब ये तो जाल में फंस गई, जाते जाते बोलने लगी उस वृद्ध मछली से जो कथा में बैठती थी, संतों की बात सुनती थी। उस मछली को पूछने लगे कि तुझे कैसे पता चला कि यहां खड़े रहने से छूट जाएंगे, भागो मत नहीं तो पकड़े जाओगे, वैसे ही हुआ, तुझे कैसे पता चला, मुझे अनुभव से। बोले कौन सा अनुभव था आपके पास, बोले जो मछली पकड़ने आता है वो अपने पैरों से दूर जाल को फेंकता है, अपने पैरों के पास जाल नहीं फेंकता, ये मेरा अनुभव था, इसलिए मैं बता रही थी चरणों में रुक जाओ नहीं तो फिर फंस जाओगे, पकड़े जाओगे, ये मेरा अनुभव था। आपने ताली बजाई इसलिए समझ गए कि आप समझ गए हो, वैसे तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। वो सारी मछलियां पकड़ी गई जो चरणों से दूर भाग रही थी, और वो मछली बची जिसने चरण नहीं छोड़े। इसके लिए महाराज कबीर भी बहुत सुंदर बात करते हैं, पकड़ रखो खिली को तो बाल न बाका होए। जो चक्की होती ना, चलती चक्की, देख दिया कबीरा रोए। पीस गया सारा संसार, साबित बचा न कोई। लेकिन कबीर जी को फिर दूसरी बात पता चली कि अरे सब नहीं पीसे जा रहे हैं चक्की में, जो खूंटी होती ना बीच में जो माता पकड़ रखती है, तो उसको पकड़े हुए जो जुवार के दाने है या जुवार के दाने वो बच रहे हैं, वो पीसने से बच रहे हैं। जिन्होंने खिली को पकड़ रखा है, ये खिली कृष्ण है, ये खिली राम है, ये खिली निष्कलंकी नारायण है, जो इसे पकड़े ये भगवान की बात है, ये सत्य सनातन जो अजर अमर अविनाशी तत्व, ये खिली है, ये ब्रह्म तत्व है,
जो इसे पकड़ रखता है वो बच जाता है, और इसे जो दूर होता है भागता है, वो जाल में, विषयों के जाल में, षड विकारों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए पकड़ रखो खिली को तो बाल न बाका हो। जाल फेंकने वाला अपने चरणों में नहीं फेंकता, चरणों से दूर फेंकता है। इसलिए हम भगवान के चरणों में रहे तो फिर ये विषयों के जाल में फंसते नहीं है, हम उस जाल से बच जाते हैं। इसलिए अगर उस जाल से हमें बचना है तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। उस जाल से हमें बचना है तो हमें भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान के चरणों में रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा मैं एक स्मरण आप सब लोगों को करा दूं कि जब महाभारत का युद्ध नक्की हुआ तो दुर्योधन मिलने जाता है कृष्ण भगवान से, और अर्जुन भी मिलने जाते हैं। दोनों ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। जब थोड़े समय बाद भगवान की आँख खुलती है तो पहले अर्जुन नजर पड़ते हैं, अर्जुन से बात करते, अरे अर्जुन कब आए? तब दुर्योधन बोलता है भगवान उससे पहले तो मैं आया हूं। तब भगवान पीछे देखते हैं, अरे ये भी आया। अब आंख जैसे ही भगवान की खुलती है तो आया तो दुर्योधन पहले था, लेकिन बाद आने वाले अर्जुन पर नजर क्यों पड़ती है भगवान की? क्योंकि अर्जुन को पता था कि वो जगह पता थी जहां जो बैठने पर भगवान की नजर होती है। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे थे जहां भगवान की सहजता से दृष्टि होगी। वहां हम ऐसी ही जगह पर बैठने की कोशिश करिए जहां सहजता से भगवान की नजर हो जाए। औरों की नजर तो तबीयत बिगाड़ती है, लेकिन श्याम सुंदर की नजर तो बिगड़ी तबीयत भी सुधर जाती है। अब कई लोगों की तबीयत देखो, नजर लगने से बिगड़ जाती है, इतनी जहरीली हो चुकी है हमारी नजर, तबीयत ही बिगाड़ देती है। लेकिन श्याम सुंदर की नजर अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन विजयी बनते हैं, अर्जुन की जय जयकार होती है, कोई पराजित नहीं कर पाया जिसके ऊपर मेरे भगवान की नजर हुई है। मेरे भगवान की नजर मुझ पर एक बार हो जाए, लगा लो खाक चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। बस वो नजर होनी चाहिए, मेहर नजर होनी चाहिए। तो हम ऐसी जगह पर बैठे, आप यहां अब बैठे हो ना तो ये यहां भगवान की नजर होती है। यहां आकर मैं तो मानता हूं भले ना आप सो जाइए, सोने का आनंद उठाइए, ठीक है कुछ कथा तो नहीं सुनी, लेकिन यहां बैठने के बाद भगवान ने कह दिया तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। यहां भगवान उपस्थित होते हैं, क्या हुआ कथा थोड़ी नींद आ रही थी सुनना रह गया, लेकिन भगवान की नजर कृपा दृष्टि तो बन जाएगी। यहां बैठना देखो, हम किसी अत्तर की दुकान में जाते हैं, अत्तर की दुकान में जाते हैं और हमने अत्तर नहीं खरीदा, अत्तर की दुकान में गए थे अत्तर नहीं खरीदा, लेकिन सुगंध तो मिल जाती है। आपने अत्तर खरीदा नहीं लेकिन सुगंध तो आपको जरूर मिल जाती है। उसी तरह ये जगह होती है, किसी मंदिर में जाकर, कई लोग पूछते ध्यान में नींद बहुत आती है, आने दो ध्यान छोड़ो मत, अच्छी बात है ध्यान में नींद आ रही है, अच्छी बात का मतलब है आपका आप उस नींद के बारे में सोचो तो के तो ध्यान भी छूटेगा, लेकिन आप कोशिश करिए एक दिन ध्यान में इतना आनंद आएगा कि नींद भी हट जाएगी। बाकी
निंदा और बाकी चिंतन करने से तो अच्छा है कि हम ये कार्य करें। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव ये है कि हम ऐसी जगह पर बैठे, मंदिर जाकर बैठे, आप जब शाम को विश्राम करने शयन कक्ष में जाते हो तो सोने से पहले, विश्राम से पहले आत्मचिंतन करिए, आज मेरा समय कहाँ ज़्यादा गया, कहाँ समय गया आज पूरा। सोने जाते हो तब तक जो भी समय बीतता है उस समय में कितना समय संसार की बातों में, व्यर्थ चर्चाओं में गया, और कितना समय भगवान के भजन में या भगवान के सानिध्य में बैठने के लिए गया, उसका हिसाब करें। हिसाब तो बहुत खूब जानते हो आप लोग, कोई फटी हुई नोट 10 रुपए की डाल दे भगवान के डोनेशन बॉक्स में मंदिर में, तो हिसाब रखते हो उसका भी, माला करते हो तो हिसाब रखते हो, दान देते हो तो हिसाब रखते हो, सारा हिसाब आप रखते हो, इसका भी हिसाब रखना कि आज कितना समय मेरा कहा गया। ऐसी जगह ज्यादा से ज्यादा समय बैठने की आप कोशिश करिए जहां भगवान की कृपा दृष्टि हम पर होती रहेगी। इसलिए आइए भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को विनती करते हैं। हे नाथ अब तो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, 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 कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊ, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊ, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊ, प्रेमी बनाओ अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन जाने क्या क्या कराए, यह मन क्या क्या कराए, यह
बनाए कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ये मन मुझे विचलित करता है लेकिन हे श्याम सुंदर हे राधा के प्रिय कृष्ण ऐसी दया हो कि मेरा जीवन निरर्थक न जाने पाए। इसलिए हम कोशिश भी करें कि हमारा जीवन निरर्थक न होने पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू। ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय कैसा समय मनुष्य जन्म ऐसा समय फिर आए न आए। अब मनुष्य जन्म को प्राप्त कर ही चुके हैं तो जिस हेतु से हम आए हैं उस हेतु को सिद्ध करें। कर्तव्य धर्म संग्रह हम धर्म संग्रह करने का कर्तव्य करें तो गोपिया इशारा करती है कि हम इन विषय रूप में डूब न जाए। हमारी चर्चा चल रही थी कि जीव का रसना का स्वभाव है रसास्वादन करना लेकिन जब ये हरकत करने लग जाए आप किसी से पूछे ना आपको भोजन में क्या पसंद है और उसने अगर कह दिया कि मुझे भोजन में लड्डू पसंद है वो भी बूंदी के लड्डू पसंद है तो समझना कि ये रसना में फंसा है। रसास्वादन जीव का स्वभाव है लेकिन जब ये हरकत करती है ये किसी में ये जब फंस जाती है स्वाद में तब ये हम उस विषय रस में फंस चुके हैं समझना। इसलिए किसी भी महात्मा को आप जब पूछोगे ना पूछना जरूर आप पूछोगे कि आपको भोजन में प्रसाद में आपको क्या पसंद है तो कोई महात्मा आपको नहीं कहेगा मुझे भोजन में ये पसंद है और ये बनाओ। वो बोलते हैं जो आप बनाओगी जो आप बनाएंगे वो भगवान का प्रसाद मानकर हम ग्रहण कर लेंगे। वो ये इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके काबू में है वो रसना तत्वों को काबू कर चुके हैं न कि उनकी रसना फंसी है। जो फंस जाती है उसकी चाहत होती है उसकी इच्छा होती है उसकी मांग होती है और जिसकी मांग संपूर्णतः समाप्त हो जाती है समझना कि अब ये मुक्त है। अब ये अपने इंद्रियों को काबू कर चुका है ये इशारा है।
तो इसीलिए गोपिया कह रही है जो तैरना जानता है वह व्यक्ति डूबता नहीं है, शेष तो डूब जाते हैं सब, जो बाकी है ना सब डूब जाते हैं, लेकिन वो नहीं डूबता जो तैरना जान लेता है, और जो तैरना जानता नहीं है वो डूब जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो संयमी पुरुष है, एवं जो महापुरुष संत महात्मा संत भगवान है, शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया इन सबको साथ लेकर विषय सागर में तैरना जानते हैं, वो जानते हैं। इसलिए जो तैरना जानते हैं वो डूबते नहीं है, बस इसको याद रखना। हम भी तैरना सीख जाए फिर डूबने का भय नहीं होगा। डूबते तो तब है जब तैरना नहीं आता। तो तैरना सीखने का मतलब है हम अपने इंद्रियों को काबू करना सीख जाए, पर डूबेंगे ही नहीं इस भवसागर में, हम इस पार पहुंच जाएंगे, भवसागर को पार कर देंगे। डूबेंगे नहीं, डूबता वो है जो तैरना नहीं जानता। तैरने का मतलब है काबू, जो अपने आप को काबू नहीं रख सकता, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने विषयों को जो काबू नहीं कर सकता वो डूब जाता है। इसलिए तैरना जान लीजिए, तैरना सीख लीजिए, फिर किसी की ताकत नहीं आपको डुबाए और आप डूब जाए। अब यहां ये एक जवाब और हमें मिल जाता है कि हम ही हमें तार सकते हैं। अगर डूबे हमारा नुकसान हुआ तो हमसे ही होता है, और हमारा फायदा हुआ तो हमसे ही होता है। डूबोगे ही आप अपने को लेकर, और तैरोगे भी आप स्वयं, आपके हाथों में ही आपका कल्याण है। इसका रास्ता गोपिया बता रही है कि हम तैरना सीख जाए, इनको काबू करना सीख जाए, क्योंकि ये जो विरक्त है, जो तैरना जानते हैं, वो सामान्य व्यक्ति के भांति खाते पीते सुनते और क्रिया करते दिखाई जरूर देते हैं, परंतु वो फिर भी अनासक्त होते हैं, वो विषय सागर में डूबते नहीं है। वो भी सामान्यतः जिनको हम प्रणाम करते संत भगवान करके, वो भी तो खा पी रहे हैं, खा पी रहे हमारी जैसी ही क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फर्क है वो अनासक्त है, वो उसमें आसक्त नहीं है, वो विषय सागर में डूबते नहीं है। अब एक उदाहरण मुझे याद आता है कि चातुर्मास में दुर्वासा जी का प्रणाम करने ये सारी पटरानियां भगवान कृष्ण की वहां जाती है। तो दुर्वासा जी को भोजन प्रसाद लेकर ये सारी रानियां जाती है, कथा आपने सुनी है। तो यमुना जी से नदी पार करके जाना था, तो भगवान को कहा कैसी व्यवस्था होगी। भगवान ने कहा जाकर नदी को कह दो कि हमारे जो पति है कृष्ण, वो 16108 पटरानियों के पति होकर भी अगर ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। नदी ने रास्ता दे दिया। भोजन लेकर पहुंचते हैं, कितनी थालियों का भोजन था, थोड़ा आवाज देना, कितनी थालियां थी भोजन की, प्रसाद की, 16108। किसके घर से गया था भोजन, द्वारकाधीश। तो थाली तो फुल डिश होगी ना, फिर उसमें सारे व्यंजन होंगे। ऐसी सारी थालियों का भोजन लेकर पटरानियां वहां पहुंचती है, दुर्वासा जी भोजन प्रसाद पाते हैं। अब उनकी क्षमता थी, जैसे ही भोजन प्रसाद हुआ तो
रानियां वापस जाने निकली, लेकिन दुर्वासा जी को कहते हैं कि हम वापस जाए कैसे, बोले आए कैसे थे, बोले ऐसा भगवान ने कहा था हमने बोला तो नदी ने रास्ता दे दिया, बोले आप अब व्यवस्था करिए, भोजन कराया तो हम फ्री में थोड़ी ना करवाएंगे, कुछ काम भी तो करवाएंगे आपसे। दुर्वासा जी कहते हैं वो तो मुझे भी पता है कि हम कुछ ऐसे ही थोड़ी ना करते हैं जो करना है। तो बोले ऐसे करो, नदी में जाओ, नदी के पास, और नदी को कह दो 16108 थाली में जो भोजन था वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी अगर दुर्वासा जी निराहारी है, उन्होंने को पाया ही नहीं है, कुछ अन्न का एक कण ग्रहण नहीं किया, तो नदी हमें रास्ता दे दे। ये बोले बाबा जी हमारे सामने तो पाए, चलो संतों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, याद रखिए जब कभी संतों से मिलने जाते हो तो कम से कम बोलिए और ज्यादा से ज्यादा सुनिए। जब मिलने जाते हो तो आध्यात्मिक चर्चा करिए। तो नदी के तट पर गई और कहा कि 16108 थालियों में जो भोजन था वो भोजन करने के बाद भी दुर्वासा जी निराहारी है, अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया, तो हे नदी मैया हमें रास्ता दे दो। आश्चर्य हुआ, नदी ने रास्ता दे दिया। आपने कथा सुनी है। तो ये मैंने जो यहाँ चर्चा की थी उसका एक उदाहरण है कि संत महात्मा भी, अब दुर्वासा जी निराहारी कैसे हो गए इतना भोजन करने के बाद भी, उन्होंने भोजन तो किया, संत महात्मा हमारे जैसे ही भोजन पाते हैं, व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ, लेकिन वो अनासक्त होते हैं। इतना भोजन ग्रहण करने के बाद भी महाराज दुर्वासा अनासक्त थे, इसलिए वो निराहारी ही थे। और आज एकादशी के दिन एकादशी का व्रत तो है, लेकिन अगर मन किसी अच्छे पदार्थ में, मालपुआ में या तो समोसे में भटक रहा है तो समझना हमारा व्रत व्यर्थ है, हमारा व्रत व्यर्थ है। नहीं तो करोगे, व्रत रखते हैं पेट को भूखा रखना, इसका नाम व्रत थोड़ी ना है। व्रत तो अनुष्ठान मन का है, मन मन स्पर्श न करे, मन मन वहां जाए ही नहीं, ये अनुष्ठान है, ये साधना है, ये व्रत है मन से। जैसे एक महात्मा, एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे, तो दोनों को नियम दिया कि कभी किसी माताओं को स्पर्श मत करना, किसी माताओं को, बहनों को आप स्पर्श मत करना, कभी भी नहीं, नियम दिया। तो दोनों शिष्यों ने नियम का पालन किया, बहुत अच्छी तरह पालन करते थे। एक दिन एक नदी बह रही थी, गहरा पानी था। अब ये नदी से जाने लगे, यहाँ तक ऐसा पानी बह रहा था कमर तक, नदी से दोनों शिष्य जा रहे थे, उतने में सामने से एक माताजी भी इस पार आने के लिए प्रवेश करती है नदी में, लेकिन पैर फिसल जाता है, पैर फिसलने के कारण नदी के प्रवाह में वो बहने लगी। अब दोनों का नियम था कि स्पर्श नहीं करे, दोनों देख रहे थे कि वो बह रही है। उनमें से एक ने नियम को तोड़ा और जैसे ही तैरते तैरते भागते भाग गया, उस माता को बचाया, अपने हाथों पे उठाया उस माता को और किनारे पर छोड़ा,
और दोनों अगले प्रवास के लिए निकल पड़े। अब 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलते चलते दोनों शिष्य पहुंचते हैं। 2 किलोमीटर नदी से आगे चले गए, तब जो हाथ बांधे खड़ा था, जिसने स्पर्श नहीं किया वो माता को, जिसने स्पर्श किया उसे पूछता है, जिसने बचाया उसे पूछता है, आज तूने गुरुदेव के वचन को तोड़ दिया, आज गुरु कृपा नहीं रही आज से आपके ऊपर, आपने गुरु वचन का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है। बोले भाई, गुरु भाई क्यों, क्या हुआ? बोले तूने आज वो श्री को स्पर्श नहीं किया। तो जिसने बचाया वो माथा पीटने लगा, बोले गुरु भाई मैं तो उसे किनारे छोड़ आया, तू यहां तक ले आया उसे, मैं उसे किनारे छोड़ आया तू यहां तक ले आया, तो मुझे आप बताइए, अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो आप बताइए, उस स्त्री को उस माता को स्पर्श जिसने बचाया उसने किया था, या जो देख रहा था उसने किया था? स्पर्श किया किसने? जो 2 किलोमीटर तक भी उस माताजी को श्री को याद कर रहा है, स्पर्श तो उसने किया, और वो तो बचाया, वहां छोड़ भी दिया किनारे पे, और भूल भी गया कि कुछ मैंने किया था, किसी माता को स्पर्श किया था, भूल भी गया, और ये अब तक याद, इसकी यादों से कार्य पूरा हुआ, छूट गई बात, और ये अब तक यादों में बसे हुए है, उस श्री को याद कर रहा है, स्पर्श तो इसने किया। इसे कहते अनासक्त होना, कि हम रहे कमल जैसे कीचड़ में खिलता है लेकिन ऊपर उठ जाता है, उसी तरह हम, हमें रहना पड़ेगा इस संसार में, ऊपर उठ जाए। तो गोपिया यही कह रही है कि संत महापुरुष जो है वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं लेकिन अनासक्त होते हैं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, वो आग्रह नहीं करते। संतों का तो स्वभाव ये है, या तो अनासक्त होने का भावार्थ ये है, कभी घी घना, कभी मिट्टी, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी तो वो भी मना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। आपने शाही सवारी में देखा होगा, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े रथों पर संत महात्मा विराज रहे हैं, कभी घोड़ों पर, हाथी पर, ऊंट पर, और ये रथों में बैठकर जो चलने वाले महात्मा है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो प्रसन्न है। इन महात्माओं की महती वो है कि हाथी पर बैठे फिर भी प्रसन्न, और जब वो पैदल चल रहे हैं नंगे पैर तब भी वो उसी प्रसन्नता के साथ चलते हैं, इसलिए वो अनासक्त होते हैं। जब वो हाथी पर बैठ जाए, रथों पर बैठ जाए तो अहम नहीं आने देते, और पैदल चलते हैं तो कमी, कोई कमी महसूस नहीं करते। ये स्वभाव है, और ये है गोपी भाव, ये है जीवन को जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन को जीने की कला है, हम सीखे। तो इसी तरह हमें तैरना सीखना है, नहीं तो डूब सकते हो। संत महात्मा तैरना जानते हैं, इसलिए वो डूबते नहीं, वो आसक्त नहीं होते। जी जब हमारी ये जीभा जब हरकत करने लग जाए तो समझना हम फंसे हैं, फिर तकलीफ बनती है। गोपिया भगवान को यही प्रार्थना कर रही है कि आपने जैसे उस यमुना जी को विषय मुक्त किया, विष मुक्त किया, हे कृष्ण वैसे ही हमारे अंतःकरण को भी विषय मुक्त आप करा दो, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो पंच विषय है
इन पंच विषयों से हमें भी आप बचाए, जो हम इसमें फंसे नहीं।